तो दोस्तों फाइनली हम लोग चापकी दानी रिजॉर्ट आ चुके हैं और ये इसका एंट्रेंस गेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये बिल्कुल कोटा हाईवे है जो ये जा रहा है रास्ता। चौकी दानी का पूरा विजिट कराते हैं आज के हम ब्लॉग के अंदर, क्योंकि राजस्थान की सबसे फेमस जगह है ये चौकी दानी। तो हम भी बहुत टाइम बाद आ रहे हैं और आपको दिखाते हैं दोस्तों। एनी को देखो कहाँ चढ़ चढ़ के उसे फोटो खिंचाने हैं, कितनी अच्छी अच्छी हट बनी हुई है दोस्तों। ये देखो शालिनी की रील बन रही है। आज चौकी दानी में आके ये पूरी मटर गस्ती करने वाले हैं ये लोग। तो आज टिकट है एडल्ट 800 रुपये की और बच्चों की हाइट के अकॉर्डिंग 500 रुपये। तो दोस्तों फाइनली ये हमारी टिकट हो गई है, हम चार जनों की टिकट आई है 3200 की। तो यहाँ पे सा चलता है इसलिए दोस्तों फाइनली हमने टिकट ले ली है। ये टिकट काउंटर हॉल है पूरा, यहाँ पे ये एंट्रेंस था और अब यहाँ से हम लोग बाहर आएंगे जहाँ से चौकी दानी रिजॉर्ट शुरू हो जाएगा। तो चौकी दानी में आपका स्वागत है। बाप रे बाप, बड़ा गहरा कुआ है। ओ माय गॉड, बहुत गहरा है, पीछे हट जाओ। बस शालिनी, बहुत गहरा कुआ है, तुम जाना चाहोगी इस कुएं में? मैं अंदर क्यों जाऊंगी कुएं में? तो दोस्तों ये हमारे ये वो वाली झोपड़ी है जो मैंने अभी बाहर से देखी थी। हाँ। और ये अंदर से ऐसी दिख रही है। अब तो एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ देखो कल्चर है कि जैसे ही हम लोग अंदर आए तो हमारे टीका लगाया गया। तो हमारी राजस्थान की परंपरा बड़ी अच्छी है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे और कि गाना भी है, पधारो मारे देश केसरिया बालम। तो आप भी जब यहाँ आएंगे तो आपका वेलकम टीका लगा के किया जा रहा था। दोस्तों आप आएंगे थोड़ा शाम के टाइम में आना, ताकि क्या होता है कि जो आपको फोटोग्राफी करनी है या शूट करना है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। 5 बजे से 11 बजे तक का, बट अभी सर्दियाँ हैं तो 4:30 से है। हम किचन काउंटर के अंदर आ गए। क्या बन रहा भैया? ये राबड़ी। ये देखो बिल्कुल आज ऐसा फील हो रहा है जैसे हम बिल्कुल गांव में आए हैं। हार्ट शेप जैसे ये बना हुआ है, सोने के लिए यहाँ चारपाई भी लगी हुई हैं। अगर आपको आराम करना है तो आप चारपाई पे आराम कर सकते हैं। और गांव में जैसे लालटेन होती थी, वही लालटेन यहाँ लगी हुई हैं रोशनी के लिए। झोंपड़ी बिल्कुल गाँव के हिसाब से बनी हुई है, गाँव ही तो था। और इसके पाए देखो कितने मोटे मोटे हैं, और इस पर आराम किया जाए। तो अक्की आज तुझे लग रहा है हम गांव में आए किसी? हाँ। लग रहा है ऐसे गांव में झोंपड़ियाँ खाट होती हैं, खाना पीना बन रहा है आज तेरे लिए, दाल बाटी चूरमा तू खाएगा? हाँ। ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे चाय चल रही है और यहाँ देखो गोलगप्पे की दुकान भी लगी हुई है, आप गोलगप्पे भी खा सकते हैं। गोलगप्पे खाने चलते हैं। एनी का तो गोलगप्पे खाने की इच्छा हो गई जरा जाने की है। अभी क्या खाने आए हैं यहाँ पे? हम गोलगप्पे की लाइन में लगे हैं। गोलगप्पे खाएंगे हैं? खर्चो 10 रुपए की 5 नग। अके तो भी गोलगप्पे खाएगा क्या? इनको चाय भी पीनी है, इन्हें गोलगप्पे भी खाने हैं। हम सब क्या हूँ बढ़िया है, मैं दही वो साउंड वाला। दोस्तों हम लोग चढ़ गए हैं मचान पे, हम तो दोस्तों बहुत ऊपर आ गए। ये देखो नीचे बग्गी चल रही है, ऊंट बैठा हुआ है। एनी कैसा लग रहा है यहाँ के? कैसा लग रहा है? कैमल राइड, कैमल कार्ट, बल कार्ट, बोटिंग, हॉर्स कार्ट, हॉर्स राइड देख सकते हैं यहाँ पे, आप बोटिंग भी कर सकते हैं आएंगे जब भी आप यहाँ। ये रुका हुआ पानी है भैया जी, यहाँ पे वो तो नहीं है मगरमच्छ वगैरह? तीन घोड़े तीन कैमल। हाँ संभाल लेगा यानी मम्मी क्या? यानी कैसा फील कर रही है? बहुत धमक धमक के चल रहा है। मजा आया नहीं आया? मजा तो आया, मजा आया। चढ़ गए घोड़े पे, ओहो पूरा पकड़ लिया उसका चेहरा है वो। तो गाइस मैं तैयार हूँ बिल्कुल चलने के लिए, आप तो मुझे उसका पूरा चेहरा पकड़ लिया सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी। कैसा तो हिल तो रहा ही है। ओह माय गॉड,
तो गाइज ये पीछे हमारे घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई है, अब हम इस पे चलते हैं। तो ये घोड़ा चल दिया हमारा दोस्तों, मैं फोटो भी नहीं ले पाई, अभी हिलने लग गया। ओह माय गॉड, कितना आज जंगल का फील हो रहा है, पूरा जंगल का नहीं गांव का फील हो रहा है, पूरा मजा आ रहा है चलनी। हम लोगों ने तो कैमल में बैठ के इतना एंजॉय किया, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा ही, बट मैंने हम कमर के साथ ना कोई रिस्क नहीं लेना चाहा। यहाँ कुछ हॉरर सीन लग रहा है दोस्तों, ये शायद एक राक्षस का महल है, हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। ओह शालिनी को तो झूला मिल गया यहाँ पे, हम जरा अंदर जा रहे हैं, शालिनी झूला झूले जब तक। चलो एनी मैं आ रहा हूँ। एनी चलें जरा इसके अंदर, ये लोग आ रहे हैं, ये धीरे धीरे आ रहे हैं कछुए, चलो चलो चलो। भूल भुलैया के रास्ते से, अरे हम भूल भुलैया के रास्ते से आ गए और ये पीछे से एनी आ रही है। नहीं 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 एनी डर रहा है, एनी हमें फिर ले जा रही है। आजा जल्दी आजा, आओ आओ निकल गए, अरे आ गए बाहर, डर के आगे जीत फिर हो गई हमारी, हमने बड़ा साहस दिखाते हुए। अच्छा मम्मी कहाँ रह गई? मम्मी तो वहाँ, मम्मी मिल गई। तो दोस्तों ये लालटेन जल चुकी हैं, वो हमारी लालटेन की शादी हुई है। तो दोस्तों अब हम भूल भुलैया में चलते हैं। अरे रास्ता कहाँ से है, भूल भुलैया में खो सकते हैं। एनी मैं कहाँ हूँ? अरे यार भूल गए हम तो, अरे हम तो मैं और अक्की तो, ओ हमने पास कर लिया, हम आ गए बाहर। यस अक्की और मैं विन हो गए, तो हम इस भूल भुलैया से बाहर आ चुके हैं, हम इधर हैं और शालिनी भी आ गई, अभी एनी रह गई है। ओ एनी भी आ गई भूल भुलैया में से निकल के, सबसे पहले अक्की आया फिर मैं आया, है ना अक्की? ओ नीचे गिर गया। ओहो शालिनी भी ट्राई करेगी, ओ नो वो भी नीचे गया। डैडी की एंट्री हो चुकी है, रिंग, ये रिंग अब मैं डालने वाला हूँ, ये देखो। ओहो सॉरी, अक्की एक मैं मारूं क्या? हाय अक्की ने विन कर लिया एक गेम, एक गेम फ्री मिला इसे। तैयार हूँ तीर मारने के लिए। एनी थोड़ा खींच के, एनी समझा रही हो, खुद तो खींच नहीं पा रही थी। अब एनी ये बॉल डालने के लिए तैयार है बास्केट में। ओ नहीं अब एनी गई बंदूक का निशाना लगाने, लगा कोई निशाना? ये बॉल गिरानी है बॉल। आज हमारे बच्चे बड़े एंजॉय करने में लगे हुए हैं। ये आ गए हैं मैदान में, फाइनली कोशिश करता हूँ बच्चे चला नहीं पाए, और मैं देखता हूँ ये भी है नीचे वाला पिंक वाला, और सांस रोक के और इस पर निशान लगाओ। अच्छा हमको सिखा रिया है। तो दोस्तों यहाँ बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम बना रखे हैं, बच्चे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों बर्फ का गोला 20 रुपए का है, और ये भैया बना रहे हैं तीन गोले। खम्बा खड़ीसा, खम्बा खड़ीसा समझ में आ रहा है? नहीं नमस्ते कर रहे हैं वो आपको। सब डाल दो भैया। We'll be right back.
बॉन फायर का इंतजाम भी हो गया है क्योंकि सर्दी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। कैसे? ये तो भाई लेटा हुआ है। चालने को देखो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये राजस्थानी लेडीज हैं, ये भी राजस्थान में आ गई तो राजस्थानी बन गई। हमको एक बूढ़ी अम्मा मिली है, ये हमारे बिल्कुल साथ में खड़ी हैं और ये पानी निकाल रही हैं। और ये भाई साहब हल जोत रहे हैं। चिंगू मिंगू। देखो दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठंड में तो मजा ही आएगा। कैसी लग रही डटी चाय? तो दोस्तों ये है डाइनिंग एरिया। दोस्तों ये सारा मेनू है यहाँ का, आगे देखते हैं और क्या है आगे। तो दोस्तों ये हमारा चौकी दानी का खाना आ गया है भैया, पानी वही रखो। और ये एनी ने कुछ अलग दिस, ये पानी भी आ गया। बाटी भी ली है, मेरी फेवरेट बाटी मुझे यहाँ भी मिल गई। बाटी दाल चूरमा सारी सब्जी आलू प्याज और ये कड़ी भी है यहाँ पे। और ये ना वो है सेंगरी, हाँ यहाँ राजस्थान की फेमस होती है सेंगरी। चलो दोस्तों मेरे को तो मुँह में पानी आ रहा, मैं तो खाना शुरू करूँ। तो दोस्तों ये वाला जो घर बना हुआ है ये केरला है और आपका देख सकते हैं। और केरल में जिस तरह के घर होते हैं उसी स्टाइल में। ओ ये आंटी बैठी है, चक्की लगी हुई है। अरे आंटी, अरे आनी इनकी आंखें खोल दे, कैसे जाएंगी ये? हैं केले, अरे मछली मत निकाल उनकी। लेंस लगे हुए हैं आनी। तो दोस्तों हम लोग गोवा में आ गए हैं इस समय। फाइनली हम चर्च के अंदर हैं। जैसा गोवा में सारे चर्च होते हैं उसी हिसाब से ये बनाया हुआ है पूरा स्टेट। अब तुम ये मत कहना मैंने गोवा नहीं घुमा। देखो गोवा घुमा दे। महाराष्ट्र में आ गए दोस्तों। चलो महाराष्ट्र के अंदर। अरे महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? ये दो अभी तो यही बैठ गए महाराष्ट्र में। आगे तो महाराष्ट्र की अच्छी लगेगी बस। चल लेट जा और सो जा। अब हम आए हैं गुजरात में। गुजराती स्टाइल में यहाँ पे, क्योंकि गुजरात में जैसे शीशे का वर्क होता है तो सारा शीशे का वर्क किया गया है। और गुजराती गाने भी चल रहे हैं यहाँ पे। राजस्थान में दादाजी बैठ के हुक्का पी रहे हैं। हुक्का
ये गांव भी बनाया हुआ है नहीं, मगर इन गांव में कोई रह नहीं रहा। ये तो अंगूठा दिखा रही है। ये मम्मी खाना खिला रही है अपने बेटे को, वहाँ पे बच्चों को खाना खिला रही थी, यहाँ बच्चों को झूला झुला रही है मम्मी, और पापा काम कर रहे हैं, और माँ बच्चों को पालने के लिए है, बच्चों को खाना खिला रही है। आगे देखिए ये तेरी तरह ये टायर से खेल रहा है बच्चा, टायर चला रहा, टायर भी दिखाया है इन्होंने, टायर चला रहा है। ए चल कुछ काम कर ले। और ये खड़ी है मॉनिस्टर के मुंह के अंदर। तो दोस्तों अब हम एक मॉनिस्टर के मुंह के अंदर आ चुके हैं और आपको अब देखते हैं इसके गले के अंदर क्या है। इसके अंदर देखो कितना गहरा है। ओए बाप रे, थोड़ा अंधेरा है। हम देखो गले के अंदर जब जाते हैं, ये आ गए भूरी बाबा, हु हु भूरी बाबा, हु हु। अरे भैया तुम्हें भी खा लिया क्या मॉनिस्टर ने? हाँ भैया बता रहे हो। हाँ, हमें भी खा लिया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? भूरी बाबा हु हु। ओ हिरन भी है, पानी भी रहा भाई। ये तो अलग ही, हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पे इतना बड़ा इधर साइड भी कुछ है। वो तो मैं जाते वक्त मुझे लगा कि यहाँ भी कुछ हो सकता है, तो यहाँ भी चलते हैं हम। मुंह से निकले और यहाँ आके गिरे, हम जंगल एरिया में आ चुके हैं। और वो देखो बड़ी सी मूर्ति से क्या बनी हुई है, वो देखो ओ मगरमच्छ भी है भाई। कितना बड़ा मगरमच्छ है। क्रोकोडाइल। ओए कहाँ जा रहा है, क्रोकोडाइल खा लेगा तुझे? मैं भी। ज्यादा हिरन के साथ मत जाओ, अभी शेर भी आ जाएगा, शेर की आवाजें भी आ रही थी। तो दोस्तों ये हिरन बहुत बड़ा है, पानी पी रहा है। आके हिरन के ऊपर बैठ के कहाँ जा रहा है तू? परम सा जंगल के देवता, आओ भाई जंगल के देवता के दर्शन करें। ये शेर की आवाज कहाँ से आ रही है? ओहो पैर भी कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पे माता वैष्णो देवी का मंदिर भी बनाया हुआ है। इतना बड़ी हॉरर आवाज़ें निकाल रहा है यहाँ डायनासोर जो खड़ा हुआ है, और माता वैष्णो देवी का मंदिर है इसलिए शेर की आवाज़ें भी आ रही हैं। थोड़ा सा खतरनाक रास्ता है क्योंकि पहाड़ों के ऊपर बना हुआ है ये मंदिर। है हल्दी घाटी का युद्ध, जो बिल्कुल चौकीदार में बड़े अच्छे से दिखाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो लोग नहीं आए वो हमारे वीडियो के माध्यम से। तो ये है सांप सिटी। और ये है पासा हाथी मेरे साथी, आप शासन काल देख सकते हैं। दोस्तों अब हम हल्दी घाटी के अंदर जा रहे हैं और ये यहाँ पे रखी हुई है तोप। जैसा कि हल्दी घाटी युद्ध फेमस है बहुत ज्यादा, तो यहाँ से इसीलिए तोप से ही स्टार्ट हो रहा है। और यहाँ पे जो भैया खड़े हैं वो भी उसी पोजीशन में खड़े हैं, वो ऐसी टोपी वो भी लगा के थोड़ा सा। तो ये देखो युद्ध हो रहा है आपस में। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक का गाना भी चल रहा है। आखिर भी इस युद्ध में था, पीछे देखो चेतक है। तू ही चला रहा है ये धनुष बाण? और आज मैं यहाँ पर घूमने आया हूँ। घूमने आया है? हाँ। तो ये युद्ध में युद्ध लड़ा था या नहीं लड़ा था? ऊपर हाँ। बैठे ऊपर मारने के लिए, छुप छुप के बैठे हैं, छुप छुप के। ये गांव के लोग हैं, ये देखो बीच में युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है और ये तीर चला रहे हैं। ये जो आर्टिफिशियल दिखाया जा रहा है हल्दी घाटी युद्ध, इसको फील करो। ये किसी टाइम पे तो रियल में हुआ था। हाँ बिल्कुल, जब रियल में हुआ था और बहुत जबरदस्त युद्ध था ये, तो आज हम उसको फील कर रहे हैं। तो मैं भी ऐसे हो सकता है उस समय मैं भी यही तीर चला रहा हूँ।
जरूरी है। और वो क्या होता है वहाँ और यहाँ पे जिस तरह से सारा दिखाया गया है छोटे से एरिया में जैसे सारी चीजें दिखाई जा रही हैं, मतलब और जैसे पीछे म्यूजिक और उसी हिसाब से चल रहे हैं। तो दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं रानी पद्मावती का जौहर। ये देखो सारी जो लेडीज हैं ये सब तैयार हैं जौहर के लिए। और ये देखें आप नीचे पूरी आग जला रखी है। ये रानी पद्मावती का किला और ये सारी रानियां ये हम अंदर जाते हुए मंदिर के। तो दोस्तों ये है गौशाला और आप देख सकते हैं कितनी सारी गायें यहाँ बंधी हुई हैं, जिनको दान करना है वो दान भी कर सकते हैं। सब अपना रेस्ट मोड में है। शालिनी की प्यारी प्यारी कठपुतलियाँ देख लो। हाँ बहुत राजस्थानी कल्चर की है सारी चीजें। नीचे चूहे बैठे हैं, मेढक बैठे हैं, मेढक बैठे हैं, मेढक के ऊपर एनी बैठी है। लकड़ी की गाड़ियाँ देख लग की। हाँ पूछ लो, हो जा रहा है ना पेंट। शालिनी भी कुछ बनाने जा रही है, कैंडल स्टैंड। कैंडल स्टैंड ठीक है, कैंडल स्टैंड बनाओ, हाथ दो। दोस्तों हम लोगों ने ये बनाए हैं, मैंने ये बनाया। तो डैडी आपने क्या बनाया? मैंने बनाया है ये सिंदूर रखने के लिए, एनी इसको डेकोरेट करेगी। अभी नहीं, हाँ, नहीं अभी गीला है, अभी गीला है इसलिए हम खोल नहीं सकते। और ये मैंने बनाया है, ये ग्लास मैंने बनाया। और ये भगवानी सी बनाई है, चार वाली है। शालिनी ने बनाया, मैंने कैंडल स्टैंड बनाया है क्योंकि इनका बर्थडे है तो मैंने कैंडल स्टैंड बनाया है। और इन्होंने सिंदूरदानी बनाई है, मैंने अपनी बीवी के लिए सिंदूरदानी बनाई है, मम्मी के लिए। ऐसा बन गया था, हमने ऐसे पहले कुछ प्लान नहीं किया था, उन्होंने कहा ये बनना है ठीक है, ये तो मैंने बाद में दिमाग लगाया। वो स्लाइड करता हुआ आ रहा अंधेरे में। हाँ भाई मजा आ गया, तू तो दिख भी नहीं रहा अंधेरे में। अक्की देख सकते हैं ये बैलगाड़ी भी है जो यहाँ चल रही है गांव में। तो दोस्तों अब यहाँ से एग्जिट का रास्ता है, अब हम लोग चलते हैं। Thank you.
लोगों ने पूरा चौकीदानी विजिट कर लिया और हमें और बहुत पता भी नहीं चला कि टाइम कब गुजर गया, कब निकल गया। हम 4:15 बजे यहाँ आ गए थे, बहुत इंजॉय करा, बच्चों ने राइड करी, कैमल राइड करी, हॉर्स राइड करी, घुड़सवारी करी, मतलब खाने पीने में बहुत अच्छा था। मतलब हमें ये नहीं लग रहा अभी हमारे के मतलब यहाँ पे 9:30 या 9:30 बज चुके हैं और टाइम बजने वाले हैं, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा। अकेले भी आ सकते हैं, अकेले में भी कोई ऐसा नहीं लगा हमें कि हम लोग बोर हो रहे हैं या मतलब है नहीं कुछ करने के लिए, इतना सारा कुछ है कि अभी हम 1 घंटा और यहाँ घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों लेट हो रहे हैं, फिर रेस्ट करेंगे जाके क्योंकि बहुत देर से आए हुए हैं और अभी यहाँ से घर पहुँचने में भी हमें कम से कम 1 घंटा लग जाएगा क्योंकि ये हमारे घर से भी 20 से 25 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है। पैरों ने भी जवाब दे दिया थोड़ा थोड़ा। दोस्तों आपने हम लोग हमारा ये वीडियो देखा होगा, आई होप आपने बहुत एंजॉय करा होगा। चलो दोस्तों आपसे फिर हम आपको नए ब्लॉग में नई चीजें लेके फिर मिलते हैं। आई होप आपने ये वाला ब्लॉग हमारा बहुत एंजॉय किया होगा। बाय बाय।